हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको दोबारा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट आ रहा था, तो उन सभी का कमेंट का मैं जवाब भी दूंगा। और दोस्तों सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, दुबई में जितने भी भाई लोग रहते हैं और वो लोग कुशीनगर आसपास के ज़िला के हैं, वो चाहते हैं कि हम कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरें या फिर यहाँ पर उतरें, तो आज का जो वीडियो है वो खास आपके लिए। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर कई दिनों से न्यूज़ नहीं आ रही थी, लेकिन अब फाइनली न्यूज़ आ गई है। तो क्या न्यूज़ निकल कर आई है वो मैं आपको बारी बारी से बताऊँगा। लेकिन दोस्तों बता दें कि बहुत सारे भाई लोगों का कई वर्षों से, सालों से उनका इंतज़ार था कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो, हम लोग कुशीनगर से उड़ान भरें या फिर कुशीनगर पर उतरें। तो उनका जो सपना है वो बहुत दिनों से एक सपना था, लेकिन फाइनली दोस्तों ये सपना पूरा होने वाला है। आप भी भाई लोग, अगर आप कुवैत में रहते हैं या फिर जितने भी गल्फ कंट्री है वहाँ पर रहते हैं या फिर किसी और भी देश में रहते हैं, आप भी सोचते हैं कि हम कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें, तो आपका ये जो ख्वाहिश है वो बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। क्योंकि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद, वहाँ और साथ में कुवैत के साथ साथ जितने भी बौद्धिस्ट कंट्री हैं, बौद्धिस्ट कंट्री ये मन की म्यांमार, थाईलैंड वगैरह हो गया, इधर से सीधे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जुड़ने वाला है। तो कब तक जुड़ेगा, इसके बारे में क्या न्यूज़ निकल कर आई है और कैसे आप यहां पर आ सकते हैं, पूरी विस्तार से वीडियो को बताएंगे वीडियो में, तो आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों बता दें कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उद्घाटन हुए 2-3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन बात करें कि क्या अभी तक कोई भी यहाँ से इंटरनेशनल उड़ानें हुई हैं कि नहीं हुई हैं, तो इसका जवाब है कि अभी तक कोई भी इंटरनेशनल उड़ान नहीं हुई है। जिस दिन कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था उस दिन श्रीलंका से एक फ्लाइट आई थी जिसमें कुछ बौद्ध यात्री आए थे। अब दोस्तों बात करते हैं कि कुशीनगर और आसपास के बहुत सारे लोग कमाने के उद्देश्य से सऊदी अरब और जितने भी गल्फ कंट्री हैं उधर गए हैं, और वो लोग नेट पर हमेशा सर्च करते हैं कि कब तक शुरू होगा, कब तक शुरू होगा, कब से टाइम टेबल इसका कब आएगा, टिकट कब से बुकिंग होगा। तो दोस्तों बता दें कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आया कि कब तक यहाँ से उड़ानें होंगी, लेकिन जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे पूछे जाने पर बस यही कह रहे हैं कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही जल्द पूरा मतलब चालू हो जाएगा और सऊदी अरब के साथ, कुवैत के साथ, गल्फ कंट्री के साथ और बौद्धिस्ट कंट्री के साथ जुड़ेगा। इसी तरह के जब न्यूज आते हैं तो मैं वीडियो में बनाता हूं, तो आप लोग भाई लोग कमेंट कर पूछते हैं कि तुम डेली एक ही वीडियो बनाते हो, तो मैं आपको बता दूँ कि वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा और जो न्यूज़ निकल कर आए वो आप लोग को बताना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। बाकी आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप नीचे कमेंट कर बताइएगा। पिछले वीडियो में बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर बताए थे कि हम लोग यहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी बताइएगा कि आप लोग कहाँ से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। बाकी जैसे ही कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में कोई न्यूज़ निकल कर आया गया या फिर टाइम टेबल आएगा, टिकट बुकिंग का कोई भी अपडेट आएगा, तो वो मैं आपको इसी चैनल पर बता दूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।